क्वेश्चन नंबर 3.16 में कहा गया है, लुक एट द ग्राफ्स ए टू डी केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस विच ऑफ दीज कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। मींस हमें नीचे दिए हुए ग्राफ्स को केयरफुली देख के यह बताना है कि कौन सा ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, विद रीजन हमें इसका आंसर देना है। आइए हम वन बाय वन ग्राफ को सोल्व करें। पहले हम ए ग्राफ को देखते हैं। ए ग्राफ एक्चुअली एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। इसमें वर्टिकल एक्सिस पे पोजीशन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है। यह ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि एक ही टाइम के ऊपर, जैसा कि इस टाइम पे हम देखें यह पोजीशन भी है और इसी टाइम के ऊपर यह पोजीशन भी है। एक ही टाइम के ऊपर एक ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग पोजीशन नहीं हो सकती, इसीलिए हम कहेंगे द गिवन एक्स टी ग्राफ, मींस यह जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, द गिवन एक्स टी ग्राफ शोन इन फिगर ए डज नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल। दिस इज बिकॉज ए पार्टिकल कैन नॉट हैव टू पोजीशंस एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक ही टाइम के ऊपर एक ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग पोजीशंस नहीं हो सकती। अब हम बी ग्राफ को देखते हैं। यह ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यह ग्राफ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही टाइम के ऊपर अगर हम देखें तो इसकी यह वेलोसिटी भी है और उसी टाइम के ऊपर हम देखें तो यह वेलोसिटी भी है। एक ऑब्जेक्ट की एक ही टाइम के ऊपर दो वेलोसिटीज होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर बी डज नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल। दिस इज बिकॉज ए पार्टिकल कैन नेवर हैव टू वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। आइए हम सी पार्ट को देखें। सी पार्ट में हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिखा रखा है। इस पोर्शन के लिए स्पीड नेगेटिव है क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यह नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरा, हम समझ सकते हैं स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होने के कारण नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इस पोर्शन में यह ग्राफ तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हम कहेंगे यह भी एक रॉन्ग ग्राफ है। द गिवन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर सी डज नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल। दिस इज बिकॉज स्पीड बींग ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, यह नेगेटिव नहीं हो सकती, यह इसका रीजन है। तो ये तीनों ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब हम इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट के अंदर यह ग्राफ टोटल पाथ लेंथ और टाइम के बीच में है। टोटल पाथ लेंथ का मतलब डिस्टेंस भी होता है क्योंकि डिस्टेंस टोटल पाथ की लेंथ होती है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ होती है। तो टोटल पाथ कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता। जैसे हम स्टार्टिंग में देखें टाइम बढ़ रहा है तो टोटल पाथ बढ़ रहा है। अब टोटल पाथ कभी भी टाइम बढ़ने के साथ वापस नहीं आ सकता, मतलब कि नीचे की तरफ यह ग्राफ आना पॉसिबल नहीं है। तो यह वाली लाइन पॉसिबल नहीं थी, इसीलिए हम कहेंगे दिस गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन इन फिगर डी डज नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल। दिस इज बिकॉज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम। थैंक यू वेरी मच।